My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को अभिवादन करती हूँ. Today the promise verse which we are going to meditate is from Matthew chapter 6 verse 11. आज का प्रतिज्ञा का वचन जिस पर हम मनन करेंगे वो है मत्ती 6:11. आइए इसे देखें. Give us today our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, ऐसा ये कहता है. When the Lord Jesus Christ was in this world, he taught his disciples this prayer. जब प्रभु यीशु इस संसार में थे तब उसने अपने चेलों को ये प्रार्थना सिखाई थी. जानते हैं, Give us today our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे. And also the word of God says, ask and it shall be given unto you. साथ ही परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. So prayer is a must in a true Christian's life. सच्चे मसीह के जीवन में प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. Talking to the Lord, walking with the Lord will take you closer and closer and to have a communion with the Lord. प्रभु के साथ बातें करते रहना और प्रभु के साथ चलते रहना ये आपको प्रभु की करीबी संगति में लेकर आता है. That's why the Lord Jesus said, ask and it shall be given unto you. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. If you seek the Lord, you shall not lack any good thing. अगर आप प्रभु को खोजते रहेंगे तो आपको किसी भी भली चीज की कमी ना होगी. Psalm 34:10 says so. भजन संहिता अध्याय 34 वचन 10 ये कहता है. And if you read Proverbs chapter 28 verse 25 it says, he who trusts in the Lord will be prospered. अगर हम नीति वचन अध्याय 28 वचन 25 पढ़ें तो ये कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है. And Matthew 21:22 we read, the Lord Jesus said, and whatever things you ask in prayer believing that you will receive. अगर हम मत्ती अध्याय 21 वचन 22 पढ़ें ये कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा, ये कहता है. There was a Christian ashram and they were very few poor people and the children who were there also were very poor. एक मसीह आश्रम था, वहाँ के लोग बहुत ही गरीब थे, जो बच्चे थे वो बहुत ही गरीब थे. The manager was managing with a help of so many people and if he doesn't have any help from them he'll be in struggle. और जो मैनेजर था वो बहुत ही मुश्किल से उसे चला रहा था और जब उसे कोई मदद नहीं मिलती थी तो उससे संघर्ष करना पड़ता था, मुश्किल से उसे चला पा रहा था. So he taught his orphanage children to believe on Jesus Christ. तो उसने अनाथ आश्रम के जो बच्चे थे उनको प्रभु यीशु के ऊपर में विश्वास करना सिखाया. He taught them how to pray and receive their daily bread. उसने उन्हें प्रार्थना करके ये सिखाया कि हम अपने रोज की रोटी किस तरह प्राप्त करें, ये सिखाया. One day there was no money, they could not buy any bread or milk. एक दिन उनके पास कोई भी पैसा नहीं था इसलिए वो रोटी और दूध नहीं खरीद पाए. You know what the manager did? जानते हैं उस मैनेजर ने क्या किया? He asked children to praise God. उसने बच्चों को सिखाया कि परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करो. They sang many songs praising God. उन्होंने परमेश्वर की स्तुति के बहुत से गीत गाए. As they were singing, putting the trust upon God, there was a miracle. जैसे वो प्रभु पर भरोसा कर गीत गा रहे थे तभी ही चमत्कार हो गया. Somebody brought whatever they need for that morning food. सुबह के नाश्ते में जो कुछ भी उन्हें चाहिए था वो कोई लेकर आ गया. My friends, the same thing the Lord will do in your own life also. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा. Whatever you need, just cling on to God. आपको जो कुछ भी चाहिए बस परमेश्वर को थामे रहें. This is simple truth. यही सरल सत्य है. Follow it for everything, for every need, you cling on to the Lord. हर एक बात के लिए, हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर को थामे रहें. According to this verse, promise verse, the Lord will provide you whatever you need, more than what you want.
अगर आप इस प्रतिज्ञा के वचन को थामे रहेंगे तो आपकी जो भी जरूरतें हैं परमेश्वर आपको बढ़कर देगा। Shall we all look to him in prayer? आइए उसकी ओर देखें और प्रार्थना करें। Our precious heavenly Father, हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, Thank you, Lord, you are the great provider. प्रभु तू महान प्रयोजन करने वाला है। Look to all these thy children, O Father. पिता तू अपनी संतानों की ओर देख। You know their heart's desire. तू इनकी हृदय की इच्छा को जानता है। Whatever they want, you know as a father. जो भी इन्हें चाहिए तू पिता होकर ये जानता है। Supply all the needs in a miraculous way. चमत्कारी रीति से इनकी हर जरूरत पूरी कर। Give them the grace to ask you every time they need something. इन पर अनुग्रह कर जब भी कोई जरूरत हो तो ये तुझसे मांगे पिता। Let them pray unto thee and receive everything whatever they want. ये तुझसे प्रार्थना करें और जो कुछ भी चाहिए तुझसे ये प्राप्त करें। You are a prayer answering God. तू प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। He give you all the glory. तुझे सारी महिमा देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. Amen.